जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फुल पैकेज पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रुपए के रनिंग कॉइन्स और रिपब्लिक इंडियन कॉइन्स के बारे में। यह दोस्तों एग्रीकल्चर कॉइन, शुरुआती दौर पे इसे 1962 में बनाया गया, जिसका वजन रखा गया 10 ग्राम और मेटल निकल में बनाया गया इसको। और ये कॉइन कैलकाटा मिंट में इशूड किए गए और आज की तारीख में स्केयर कॉइन्स में काउंट होते हैं, यानी इस कॉइन की यूएनसी कंडीशन में आपको प्राइस मिल सकती है 100 रुपीज। इसके बाद इसी कॉइन्स को रिप्रोड्यूस किया गया 1970 में और ये कॉइन्स 1970 का 10 ग्राम में बनाया गया, जो कि रेयर कॉइन्स में काउंट होता है। और बॉम्बे मिंट में इस कॉइन को इशूड किया गया और आज की तारीख की यूएनसी कंडीशन की प्राइस है इसकी 5500 रुपीज। अब दोस्तों मेन बात, बहुत सी वीडियोस में बताया जाता है कि जो ऐसे सिक्के 10 ग्राम में अवेलेबल होते हैं आपके, उसको हजारों लाखों तक मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, 10 ग्राम में ऐसे दो सिक्के बने 1962 और 1970 में। और 1962 वाले जो 10 ग्राम के कॉइन्स है वो नॉर्मल कॉइन्स है, रेयर कॉइन सिर्फ और सिर्फ 1970 का है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप जानते हैं डुप्लीकेसी मार्केट में हर वक्त अवेलेबल होती ही है। कई सिक्कों को 1979 को ये 9 के साथ जो लाइन है इसको रब करके जीरो बनाया गया, या फिर 1976 का उसकी ऊपर वाली लाइन को पोर्शन को रब करके 1970 बनाया गया। वो कॉइन्स की एक तो आपको नॉर्मली पहचान हो भी जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी होती तो आप उसका वजन चेक करेंगे तो वो वजन में 8 ग्राम होगा। इसके बाद दोस्तों इस कॉइन्स को 1975 से लेके 1982 तक बनाया गया, जो कि नॉर्मल कॉमन कॉइन्स में काउंट होते हैं, यानी उनकी मार्केट वैल्यू नॉर्मल है, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 रुपए मिल सकते हैं और ये यूएनसी कंडीशन में ही मिलेंगे। और साथ ही साथ इसको कॉपर और निकल धातु में 8 ग्राम के वजन के साथ बनाया गया। इसके बाद दोस्तों डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया गया और साथ ही साथ साइज में बदलाव किया गया। आप देख सकते हैं डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो इसका साइज है उसमें बदलाव किया गया और उसके वेट में बदलाव हुआ 6 ग्राम का वजन। और ये सिक्के 1982 से लेके 1991 तक बनाए गए। आप अगर कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको नॉर्मली ऐसे सिक्के 1983 से लेके 1991 तक बताए जाएंगे, क्योंकि 1982 में इसका लिमिटेड प्रोडक्शन हुआ था। और आज की तारीख में ये टॉप रेयरेस्ट कॉइन्स में काउंट होता है, इसे ऑक्शन में सेल किया जाता है और अप्रोक्सीमेट इसकी यूएनसी कंडीशन की प्राइस है 40,000 रुपीज। और इसे बॉम्बे मिंट में इशूड किया गया। इसके बाद जो रेयरेस्ट कॉइन है वो है 1984 का, वो स्केयर कॉइन्स में काउंट होता है, हैदराबाद मिंट का। कॉइन्स की वैल्यू 100 रुपीज। 1986 का स्केयर कॉइन्स हैदराबाद मिंट, मार्केट वैल्यू 200 रुपीज। 1988 का नोएडा मिंट का रेयरेस्ट कॉइन में काउंट होता है, उसकी मार्केट वैल्यू है 500 रुपीज। इसके अलावा 1989 का स्केयर कॉइन्स नोएडा मिंट, मार्केट वैल्यू 100 रुपीज। 1990 का स्केयर कॉइन्स नोएडा मिंट, मार्केट वैल्यू 100 रुपीज। दोस्तों अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो टॉप रेयरेस्ट कॉइन में 1982 का ये कॉइन्स काउंट होता है। तो मार्केट में अगर आपके पास ऐसे कॉइन्स अवेलेबल हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और इसके अलावा मैंने आपको जो बताया 1970 का, अगर आपके पास बॉम्बे मिंट का 1970 का कॉइन्स है तो मेरे को आप पिंग कीजिए, मेरी ईमेल आईडी sumitk.vipro@yahoo.in पे मुझे ईमेल कीजिए। अभी आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, आने वाली वीडियोस में और भी इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।